Hi kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's class from the maths. Its the topic is successor and predecessors. What is the successor and what is the predecessors? The number that comes up just after a number is called the successor. जब नंबर किसी नंबर्स के बाद का पूछा जाए, जस्ट बिल्कुल उसके बाद का पूछा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सक्सेसर. एंड द नंबर डैट कम्स बिफोर द अ नंबर जस्ट बिफोर, आई से एंड आई रिपीट अगेन इट, जस्ट बिफोर कि पहले का पूछा जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेडेसर्स. लाइक डैट अगर 20 के बाद का पूछा जाए तो 21, और 20 से पहले का पूछा जाए तो 19. क्लियर? लेट अस सी सम एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसर एंड प्रेडेसर्स. देर यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे सक्सेसर प्रोड्यूसर्स के. जस्ट लाइक दैट द राइट द सक्सेसर ऑफ 33,26,195. तो यहाँ सक्सेसर क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे होता है ना उसमें वन प्लस कर देते हैं. जैसे यहाँ देख लेते हैं हम, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 5, तो 5 से अगला वाला सक्सेसर क्या होता है? 6. बाकी जो नंबर है वो रिमेनिंग, बिल्कुल जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है वो सेम रहेगा. यानी 33,26,195 की जगह क्या हो जाएगा? 6. क्लियर? नेक्स्ट है राइट द प्रेडिक्शंस ऑफ 4,01,34,707. द प्रेडिक्शन प्री मीन्स पहले. तो प्रोडेशियस जब भी हम निकालते हैं, चाहे सक्सेसर निकालें या प्रोडेशियर निकालें, हमेशा यूनिट के नंबर से ही निकलता है. कहाँ से निकलता है? यूनिट के नंबर से. तो यूनिट नंबर पे क्या है हमारा? 7 है. तो 7 से पहले क्या आता है? 7 से पहले क्या आता है? 6. तो 6 आ जाएगा यहाँ पे. यानी बाकी जो नंबर है वो सेम रहेगा, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 6 आ जाएगा. क्या रह गया फिर यहाँ पे? 4,01,34,706. क्लियर? नेक्स्ट है राइट द टू नंबर जस्ट आफ्टर 24,09,43,399. दो नंबर पूछे हैं इसके बाद के. अब यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो क्या है कि 1 को प्लस किया 9 के अंदर, ठीक है, 9 में प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10. 9 में 1 प्लस करते 10, तो 10 को हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे? 10 की यहाँ लिख देंगे 0, फिर 1 कैरी कर देंगे दूसरे वाले 9 के ऊपर, यानी जो टेंस में है तो वहाँ पे भी इसको 1 प्लस किया 9 और 1 टेंस, 10 को यहाँ पे फिर आगे 0, फिर अगले वाले 100 वाले पे इसको 1 कैरी कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और 1 कितना होगा? 4. तो हमारा जो आंसर निकल गया है वो क्या आया? 24,09,43,400. इसी तरीके से सक्सेसर नेक्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 प्लस किया तो क्या आ जाएगा हमारा? 1. ठीक है, जब 99 की बात करता है तो 1 प्लस करते ही वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? या इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर 99 लिखा हुआ है पीछे तो जो यहाँ पे 100 प्लेस वाला है वो डिजिट चेंज हो जाएगा. क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज राइट द टू नंबर्स जस्ट बिफोर 62,48,178. अब वही बात ये पूछ रहा है कि इससे बिफोर के पूछा है, बिफोर मीन्स प्रेडेसर्स पूछा है, प्रेडेसर्स पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, सक्सेसर में क्या कर रहे थे? 1 प्लस कर रहे थे. तो यहाँ पे 7, 8 लिखा हुआ है, यानी लास्ट डिजिट क्या हमारी? 8 है, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पे? 7. अब ये जो आंसर आया है ठीक, इसको यहाँ लिखने के बाद हमारा जो आया 62,48,177, इसमें से माइनस किया तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 6. यानी 7 था तो 6 हो गया. यानी रिक्वायरमेंट क्या आ गई हमारे नंबर की? जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आया है 8 हमें दे रखा था, दो नंबर हमें जस्ट बिफोर निकालने थे, तो पहले क्या आ गया? 7, फिर 6. यानी जो नंबर निकल गया है वो क्या निकल गया है? 62,48,176.
आई होप कि आपको सब कुछ ये समझ गए आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर कम्स बिटवीन 4,23,63,192 and 4,23,63,194. अब इन दोनों के बीच का जो नंबर लिखना है, अब पहले हम नंबर मैच कर लेंगे. सामने वाला जो करोड़ में है वो 4,4 है, लाख लाख में जो है वो 23,23 है, उसके बाद थाउजेंड के अंदर 63,63 है, 100 के अंदर है, दोनों में 9 tens के अंदर है, और यहाँ पे 2 और 4. हम लास्ट वाला डिजिट देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, और 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3. तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3. तो यहाँ जो नंबर आने वाला है बीच में वो क्या आएगा, 4,23,63,193. क्लियर. नेक्स्ट इज जब दो नंबर बीच में आए, सेम प्रोसेस होती है हमारी. जब दो नंबर बीच में आते हैं तो अभी यहाँ पे आपके दो नंबर हैं 78,91,27,576. तो 78,91,27,579. अब इन दोनों के बीच में यहाँ देख लो आप, 76 लिखा हुआ है फिर 79 लिखा हुआ है, यानी 77 गायब है और 78 भी. या यूनिट वाले प्लेस को ही देख लेते हैं हम, सीधा अपना डिफ़िकल्ट मेथड नहीं लेते, सीधा अपना यूनिट प्लेस को देखते हैं. 6 फिर 9, तो 6 के बाद क्या आता है 7, 8. ठीक है, दोनों के बीच क्या आएगा 7 और 8. बाकी नंबर जो है सेम रहेगा, वो सेम लिख दो, सिर्फ यूनिट प्लेस को क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्किपिंग काउंटिंग. जब काउंटिंग को स्किप करते हैं, जैसे रस्सी कूदते हो वैसे कूद के जाते हैं, यानी एक को छोड़ा दूसरा को पकड़ा, मान लो 7 है, एक छोड़ के 1, 7, 8. जब 2 का गैप हो तो बीच में 2, फिर 3 का गैप हो तो बीच में 3 का गैप करके, ठीक है, उसमें 2-2 प्लस करते चले जाते हैं या 3-3 प्लस करते जाते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक फिक्स गैप होता है बिटवीन द सक्सेसिव. जब नंबर सक्सेस करता है तो उसमें क्या होता है, फिक्स गैप होता है. उसके बाद जब काउंटिंग बाय टूज आता है, टूज में क्या होता है, इसमें जैसे ये दे रखा है हमारे पास एक नंबर 4,41,33,451. क्लियर. अब इसमें क्या करना है, इसने कहा कि 2 का गैप देना है, किसका, 2 का. तो 1 में प्लस करेंगे 2 तो कितना आएगा 3, तो यहाँ 53 हो जाएगा. फिर उसमें 53 में 2 करेंगे तो 55, फिर उसके बाद प्लस करेंगे तो 57, ऐसे ही चलता रहेगा. ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने नंबर तक स्किप काउंटिंग लिखनी है आपको, ठीक है. ये क्वेश्चन में नंबर दिया होगा कि 4 तक 5 तक या 6 तक, ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेप इज जब 10 का गैप दे रखा हो, 10 का गैप दे रखा हो तो हमेशा टेंस पे चेंज होता है. जब 1 डिजिट का गैप दे रखा हो तो हमेशा किस पे चेंज होता है, वंस पे. और जब 10 पे गैप दे रखा हो तो सॉरी तो हमेशा टेंस पे होता है. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम. यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है 45,90,456. तो यहाँ पे इसने कहा कि 10 का गैप है तो हम यहाँ 6 को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, यहाँ छेड़ेंगे किसको, 5 को, जो 56 लिखा हुआ है. तो यहाँ 56 में 10 प्लस करेंगे तो 5 और 1 6, तो वो 66 हो जाएगा, फिर 76 हो जाएगा, फिर 86, ऐसे ही चलता रहेगा. और जब बात करते हैं 100 की, तो 100 प्लेस वाला ही डिजिट चेंज होगा. कौन सा, 100 प्लेस वाला. 1000 की बोलेगा तो 1000 वाला, लाख की बोलेगा तो लाख वाला, बाकी सेम रहेगा. जिस प्लेस को वो बोलेगा सिर्फ वही प्लेस ही चेंज करना है, बाकी नंबर्स क्या रहेगा आपका, सेम. ओके, सी सम एग्जांपल्स, हियर इज सम एग्जांपल. द काउंटिंग बाय फोर्स, फोर्स के रूप में लिखना है, फोर्स के रूप में, ठीक है. इसमें 4 का गैप आना चाहिए. हमारे पास एक नंबर दिया गया है, उस नंबर में 51,73,285. अब फोर्स का यानी एक डिजिट का, एक डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे. तो यहाँ बाकी हमने नंबर लिख दिया सेम, 5 और 4 को प्लस किया 9 आ गया. क्लियर. अब 9 को प्लस करते हैं 4 में तो 9 और 13 होते हैं,
तो जो 13 की 3 तो हमने यहाँ लिख दी, और 1 जो कैरी कर दिया वो 8 के ऊपर चला गया टेंस में, और उसको वहाँ पे क्या कर दिया प्लस, तो 93 हो गए। क्या हो गए? 93। और यहाँ पे 93 को में 4 प्लस किया तो 97 हो गए। फिर सेम वही बात यहाँ आ गई, 97 में 4 प्लस किया तो 101 बनते हैं, आई एम राइट। लेकिन वो 101 ना लिख के हम यहाँ पे 1 फिर 0 और फिर उस 1 को प्लस कर दिया 2 पे ऊपर कैरी, जो 100 वाले प्लेस पे था, वो हमारा चेंज हो गया। क्या भाई ये यहाँ पे क्लियर क्लियर, तो ये हमारा ये चेंज हो गया। नेक्स्ट वन इज काउंटिंग बाय 200 राइट फ्रॉम द नंबर्स आफ्टर द, ठीक है, इसके चार की वो लिखनी है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था 200 100 वाले इसमें लाइन को चेंज करना है, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाई दे रही है उस 100 वाले प्लेस को ही छेड़ना है, बाकी कोई नहीं वो करना। तो यहाँ पे जो है 93,45,726, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या है 200 प्लस किए 7 के अंदर तो 9 हो गया, फिर 9 में 200 प्लस किए तो यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन जो आपका 5 था ना वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी चला गया इसके पास, क्या हो गया कैरी चला गया। तो यहाँ पे 59 का क्या बन जाएगा 61। नेक्स्ट आगे इजी है, फिर आगे क्या है 1 था, 1 में 2 प्लस किया 3, उसमें 2 प्लस किया फिर 5, क्लियर। इसी तरीके से 1000 का प्लेस अब चेंज करना हो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है 1000 के प्लेस का है वो इस तरीके से है, अगर आपका जैसे यहाँ पे है 90,79,32,174, तो यहाँ पे मेरे 1000 प्लेस पे कौन सा है, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर दो, 1, 10, 100, 1000, 2 है, तो 2 वाले को चेंज करूँगी, उसमें क्या आ जाएगा 1000 का गैप आया, तो 2 से आगे क्या था 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, बाकी जो नंबर है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंपैरिजन का। कंपैरिजन में क्या होता है कि आपको ग्रेटर लेसर और इक्वल टू का साइन बताना पड़ता है कि कैसे हो गए। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके पास 3 साइन है, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेसर देन। ग्रेटर देन और लेसर देन में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, वो किस वजह से कि ये कहाँ लगेगा। एक चीज़ याद रखना, जो इसकी पीछे वाली चोंच होती है, ये जो ऐसे वी शेप बना हुआ है पीछे जो ये होती है चोंच, ये हमेशा किसकी साइड होती है कम वाले के साइड यानी लेसर की तरफ, और खुला हुआ जो मुंह होता है वो किसकी साइड होता है ग्रेटर की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है हमने, यहाँ एग्जांपल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 52 है और यहाँ 32 है, तो 52 बड़ा होता है 32 से, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा ग्रेटर का। इसी तरीके से अगर इक्वल टू का साइन हो, मान लो अगर दो इक्वल जैसे ही हो, मान लो 222 है और 222 बराबर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। तीसरा है अगर 222 लिखा और एक साइड 221 लिखा हो, वहाँ पे ग्रेटर का निशान लगाएंगे, क्योंकि 222 बड़ा है और 222 एक साइड है और 223 एक साइड है, तो वहाँ पे हम लेसर का निशान लगाएं क्योंकि 223 बड़ा है। ओके, आई होप आपके आज का टॉपिक समझ में आया होगा, एंड बाय, हैव ए नाइस डे।